हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। इंदु जी, आज ब्लू स्काई पिक्चर स्टूडियो का जो ओपनिंग, आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो ब्लू स्काई पिक्चर्स को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और साथ साथ पवन जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं स्टूडियो अभी मैं देखी, मैं अंदर गई, दिल से कह रही हूँ कि हर जगह स्टूडियो है, मुंबई में गली गली में स्टूडियो है, हम सभी जानते हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक अलग चीज़ देखने को मिला कि मैं घुसते ही मैं सरप्राइज हो गई कि स्टूडियो तो सिंगिंग के लिए है ही, जो हर जगह है, लेकिन साथ ही साथ क्रोमा के लिए भी इन्होंने स्पेस बनाया है कि सिंगर गा के निकले, क्रोमा में गाया, एडिटिंग हुआ, यूट्यूब पे रिलीज हो गया। तो ये बहुत ही इन्होंने आसान कर दिया पवन जी ने, तो इसके लिए मेरी ओर से, पर्सनली मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनकी जो थॉट है ना, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। पवन जी, आपके स्टूडियो में क्या मैडम आज ओपनिंग के कुछ कहना चाहेंगे आप? मैम, मेरे को विश्वास नहीं था कि मैम हमारे स्टूडियो का ओपनिंग करेंगी। हाँ। तो मैं पहले ही हिट हो गया ये स्टूडियो। ये संजय जी का, संजय भूषण जी जो है पटियाला, संजय जी तो बड़े भाई हैं, संजय जी बड़े भाई हैं, संजय जी बड़े भाई हैं, हमेशा आपको यहाँ बुलाते रहेंगे और आपको आना पड़ेगा। पवन जी, जरा हमारे दर्शकों को बताएं नोएडा में कहाँ खुला है? नोएडा में ये सेक्टर 29 में खुला हुआ है और इस कंपनी का सिर्फ एक ही टैग लाइन है, एक ही मोटो है, अगर आपकी आवाज में है दम तो आपका ऑडियो और वीडियो फ्री करेंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। इंदु जी, इस पे आपके क्या कुछ कहना है? बहुत इनकी जो अभी जो टैगलाइन कैसा लगा आपको? हाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सच में क्या होता है ना कि आप टेक्निकली आवाज को बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आवाज अगर होती है वो जो दिल तक पहुंचे, तो ये और इन्होंने ये इतनी इतनी बड़ी बात है कि जिनकी आवाज में दम, वो इनका ऑडियो वीडियो निकालेंगे, निकालेंगे हम, तो ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा होना चाहिए, आवाज में अगर दम है तो उनको कोई रोक नहीं सकता, हमारे साथ बनावटी नहीं होनी चाहिए आवाज में। हमारे साथ राज चौहान जी आए, कुछ कहना चाहेंगे स्टूडियो को, शुभकामना देंगे? शुभकामनाएं ये कि NCR में एक अच्छा गिफ्ट मिला है पवन जी ने, और उनकी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये स्टूडियो जिस तरह से इन्होंने इसको इंटीग्रेट किया है और डेवलप किया है और थॉट लेके चले हैं, तो यहाँ पे जो NCR के जो एक अभाव था रिकॉर्डिंग स्टूडियो का और कोरियो इसका अपना क्रोमा का, तो वो फुलफिल होगा। और मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। ब्रजेश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नीचे आए हुए ब्रजेश जी आए हुए हमारे पेरेंट है, हमारे गार्जियन है, और काफी फिल्में ब्रजेश जी के साथ में की हैं, और वो भी आशीर्वाद देने आए हैं, लेकिन इत्तफाक से वो भी आए हैं तो उनके पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। उनकी तरफ से भी स्टूडियो और उनकी टीम को, पवन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है, और मैं चाहूंगा पवन जी खुद जाके उनसे आशीर्वाद दिले ताकि अच्छा वो फील करें। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये स्टूडियो के करता रहता पवन भाई के और ब्लू स्काई पिक्चर के तरफ, जो आप लोगों के जितना भी आपन सब लोग कहने हैं, हम ये बात से सहमत है, लेकिन इतना जरूर कहा जाए पवन जी, जो नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक प्लेटफॉर्म है, ये गायकी से लेके ये गावे तक में ना सीमित होके के चाहिए, मतलब नहीं, बस हम भोजन के बात करता नहीं कि वो थाली में सब्जी बा और चाउर बा, दाल बा, चोखा बा, एक में चाउर न ले, दाल ना देने, चोखा ना के दे देने, आदमी देख के खाए का मन रहे तो वो ना खाए, लेकिन परोसे के एगो, परोसे के एगो तरीका हो गेला, थाली में एक तरफ चाउर बा, एक कटोरी में दाल बा, एक कटोरी में चोखा बा, एक कटोरी में प्याज काट के रखल, आदमी देख के ओके प्रभावित होला और खावे के मन ना होकेला तब वो भी खाला। तो आपके तरफ से हम उम्मीद करब, मैं पूर्वांचलपुर जनार्दन जौनपुरिया, मैं आपकी तरफ से उम्मीद करता हूँ कि आपके सिंगिंग में जो लोगों को मौका देंगे या जिनकी छवि या प्रतिभा को देख के आप आगे बढ़ाएंगे, वो इस तरह से परोसिएगा कि जिसको नहीं सुनना होगा वो भी एक बार एक दाई गाना के सुने, और एक दाई न सुने कई दाई सुने, हमारी शुभकामनाएं। और इस स्टूडियो गुलदस्ता तब बनी जब तना ये लोग खड़ा बाटे, चाहे वहाँ वो बाटी बिटिया बा, भाई खड़ा बा, ये गुलदस्ता में मेरे नाल में भोजपुरी तो बोलते बाटी, मैंने पंजाबी भी आंदी है, मैं ताटे नहीं भी कह रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री जड़ी है ना, वो बहुत अपने वाले की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपका ऑडियो फ्री में निकालेंगे पहुंच अभी। आई नेता आदमी गायकी हो किसी को दूर दूर तक मतलब नहीं है, लेकिन मैं वीर जी तुहानू कह रहे हैं जेडी भोजपुरी इंडस्ट्री है ना, जमीन तो जुड़ी हुई इंडस्ट्री हैगी, एनू लोड हैगी अस्ते एक बंदा प्लेटफार्म जड़ा देवे, एना नू निखारे, एना नू पोलिश करे, जिन्ने कलाकार बैठे रहते
एक तो एक वध के एक कलाकार जिवे असी सुनते ना चमकीला दिया था कि तेरे दियो ने रुमाल हथ फड़िया नी भाभी दिया पुंजू अखियां, उन्हें जेड़े शब्द कहे सी कि एक भाभी को देवर कहता कि भाभी आप रो मत, मैंने रुमाल पकड़ कर मैं तुम्हारी आंख पोंछ दूंगा। हमारी इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो इस शब्द को ऐसे कर देते हैं कि भाभी देवर के रिश्तों को ही कलंकित कर देते हैं। तो मैं इंदू जी आपसे जाना चाहूंगा, कलकत्ता से ममता पांडे जी बोल रहे हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एक गाना सुनाइए एक लाइन पर। कलकत्ता से आपकी आवाज सुन रही है, आपकी आवाज लाइव बिल्कुल सुनाऊंगी मैं, और आज इतना अच्छा शुभ अवसर पे बिल्कुल मैं गाना सुनाऊंगी जो कि फिल्मों में आप सभी मेरे गाने सुनते ही हैं जितने मेरे फैंस हैं, लेकिन दिल में जो कहीं मेरी कमी थी कि मैं जब मैं एल्बम गाऊं तो मैं लोकगीत को ज़्यादा लेके चलूं, जो दिल में कहीं जो कमी थी, खालीपन था, उसको मैं भरने की कोशिश कर रही हूँ। फिल्म के गाने आप सभी सुनते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से लोकगीत जो मैं गा रही हूँ तो वो एक लाइन सुनती हूँ मैं। बजरिया से चुनरे ले ले है बलमू, बजरिया से चुनरी। दिल्ली आए हैं, दिल्ली वासियों को कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली वासी को यही कहना चाहूंगी कि हर जगह मैं जहाँ भी गई हूँ, जिस क्षेत्र में गई हूँ, वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला, और दिल्ली जब भी आती हूँ तो मुझे लगता है दिल्ली तो वैसे मेरा घर भी है, मेरे रिलेटिव भी हैं, और यहाँ स्टूडियो आई हूँ, देवी मंदिर है, ये भी मेरा घर है। तो सभी से यही चाहूँगी कि दिल्ली के सभी देशवासियों को मेरी शुभकामनाएँ हैं हर एक पर्व के साथ, कहना मुश्किल है, मकर संक्रांति अभी गई, अभी फिर होली आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, साथ ही साथ इस स्टूडियो में आपसे भी आए, पवन जी से मिले और बहुत सारा अपना एल्बम निकाले, और जैसे मुझे सब इतना प्यार सम्मान देते हैं हर कलाकार को भी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.